अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो बस अभी हम तैयार हो गए अपने ऑफ़िस के लिए, अब हम जाएंगे ऑफ़िस। तो हमने सोचा कि आज का व्लॉग आपके साथ शेयर किया जाए और आज बना रहा हूँ अपना पहला डेली व्लॉग। तो उम्मीद है इसको पसंद भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कुछ आपको बुरा लगे तो पहले से माजरत चाहता हूँ। तो अभी ऑफ़िस चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि आज हम क्या करते हैं और जो चीज़ें आज समझ में आएंगी छोटी छोटी तो वो आपके साथ में आज शेयर करता रहूँगा। तो स्टे कनेक्टेड और वीडियो को एंड तक देखिएगा। माशाल्लाह से सुबह सुबह उठ के पौधों को देखना, हरियाली देखने का एक अलग ही मंजर होता है, दिल खुश हो जाता है, फ्रेशनेस आ जाती है जी। तो बस हम निकल चुके हैं अपने ऑफ़िस के लिए। सुबह का ऑफ़िस है हमारा तो सुबह जल्दी निकलना पड़ता है और टाइम भी हम आपको भी दिखा देते हैं। टाइम भी आप देख लें, हो रहे हैं 7:20। 7:20 निकल रहा हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस है तो जल्दी पहुँच जाएंगे। सुबह के टाइम देखें सन्नाटा भी हो रहा है। और ये आप सोचेंगे जगह कहाँ है, ये जगह है कौसार की। तो बस चलें, चलते हैं और आगे आप कनेक्टेड रहिएगा और आपका बहुत सारा प्यार चाहिए और लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट्स में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम आपसे आगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो रही है, आजकल थोड़ा वायरल भी चल रहा है खांसी नज़ला बुखार का, तो उस वजह से थोड़ी आवाज़ भी ख़राब हो रही है। और आप ये भी सोचोगे इतने टाइम बाद में आज फिर से आ गया व्लॉगिंग करने। तो बस सोच तो काफ़ी टाइम से ही रहा था तो आज मैंने सोचा कि आज हिम्मत कर ही लेता हूँ। तो बस चलें, देखते हैं आगे क्या होता है और आप लोगों को व्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए चलते हैं। जी तो आ गया है हमारा ऑफिस, ये रहा, आपको अंदर लेके चलते हैं और बताते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ पे बैठता हूँ, क्या करता हूँ पूरा दिन। तो चलिए। ये है आपके भाई का ऑफिस और वो है आपके भाई की चेयर, वहाँ पर आपका भाई बैठता है रोज़ आके। जी हाँ, तो चलें आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं जी। तो बस सब बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे टाइम ऊपर आता जाएगा, काम शुरू होता जाएगा, लोड पड़ता जाएगा काम का, थोड़ा मसरूफ़ हो जाऊँगा। तो मैंने सोचा एक छोटा सा आपसे बात भी कर लूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली व्लॉगिंग करें और बहुत अच्छा कमाएं यूट्यूब पे, कमाना ना कमाना वो तो देखिए अल्लाह के हाथ में है, वो अल्लाह आपको देगा। मेहनत करना सिर्फ आपके अपने हाथ में है। बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा, बैकग्राउंड पर फोकस नहीं करें। अभी नया नया व्लॉग बना रहा हूँ तो समझे अभी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, बस अभी मोबाइल लेना है। इसका भी रिव्यू मैं आपको बहुत जल्द दूँगा। और तो मैं बात कर रहा था आपसे व्लॉगिंग की कि अगर आप डेली व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, बस अपना मोबाइल उठाएं, कैमरा खोलें और बोलना शुरू हो जाए। ना एंगल का सोचें, ना किसी और को कॉपी करें आप। जब तक आप किसी और को देखते रहेंगे, उसका स्टाइल कॉपी करते रहेंगे तो आप अपने आप में भूल जाएंगे। तो आप अपनी पहचान खुद बनाएँ। अब मैं बना रहा हूँ तो मेरे भी आज पहला व्लॉग है, कोई एंगल वगैरह सही नहीं आ रहा होगा, मुझे भी पता है। अजीब व गरीब शॉर्ट्स, आवाज़ बहुत अजीब आ रही होगी, माइक नहीं है। तो अभी मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है, ना माइक ख़रीदा है, ना गिम्बल ख़रीदा है, ना ट्राइपॉड ख़रीदा है। तो मैं सोचा अभी पैसे की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है आगे। तो जो डेली व्लॉगिंग बनाना चाहते हैं उनको बोलूँ कि स्टार्ट हो जाएँ, कॉन्फिडेंस लाएँ अपने अंदर और जो कर रहे हैं लाइव जो भी कर रहे हैं तो वो आप दिखाते रहें और शर्माएं मत। अगर आप शर्मा जाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और मेहनत करना आपके अपने हाथ में है जी। तो आपको शायद ये बात समझ में आएगी। और आज का मैंने कुछ सोचा नहीं कि आज क्या क्या करूँगा, क्या क्या नहीं करूँगा, वीडियो में क्या डालूँगा क्या नहीं डालूँगा, तो प्लान तो कुछ भी नहीं। तो बस सुबह उठा, आँख खुली, मैं थोड़ा आज व्लॉगिंग करते हैं, एक डेली व्लॉग छोटा सा बनाते हैं। अब देखते हैं वो छोटा बनेगा कितना बड़ा बन जाएगा, बाकी आगे आपको पसंद आना चाहिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं फिर आपसे, अल्लाह हाफिज़। बस अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आने शुरू हो गए, अपनी हाज़िरी लगाना शुरू हो गए हैं। तो बस अब काम शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में जी। तो वापस हम एक छोटी सी नैप लेके बस आ गए हैं। तो जब सो के उठे तो पता चला घर वालों का मूवी का प्लान बन गया था। तो बस अब हल्का सा तैयार हुए हम और अब जा रहे हैं हम मूवी देखने। मूवी वहाँ पर डिसाइड करेंगे। वैसे तो मूवी का प्लान है कि कायद आज़म देखनी है, कायद आज़म जिंदाबाद, वहाँ जाके देखते हैं बस टिकट्स मिल जाए। तो चलें चलते हैं जी। तो हम शरीफ बच्चों की तरह आके चुपचाप एक कोने में बैठ गए मॉल के, और घर वाले शॉपिंग में थोड़ा मसरूफ़ हो गए। तो हमने सोचा जब तक हम क्या करें, तो हमने सोचा आप लोगों से बातें कर लें, एक थोड़ी सी क्लिप बना लें। और अब हम यहाँ से सीधा उठ के मैं जाता हूँ पहले टिकट्स लेने, टिकट्स ले लेता हूँ फिर मिलता हूँ जी। तो चलें सैनिपैक्स चलते हैं बुलेवर्ड मॉल में टिकट लेने, और बस दुआ करें टिकट मिल जाए। और टिकट हमें मिल चुका है कायदे आज़म मूवी का। तो थोड़ी सी भूख लग रही थी तो कुछ खासा, कोई इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो सैलेड नज़र आया, काफ़ी टाइम हो गया था सैलेड खाए हुए, तो मैं सोचा एक आज सैलेड खाता हूँ। और जब बाहर निकलते हैं तो कुछ न्यू ट्राई करने का होता है। तो मॉल में एक नया सैलेड आया था, तो मैं सोचा ये सैलेड भी ट्राई करता हूँ। पूरा क्रीमी और रिच सैलेड था, और इसके साथ KFC तो मस्ट होता है। जब हम बाहर जाते हैं KFC खाए बगैर रहा नहीं जाता। तो अब चलते हैं अंदर। जी तो बस अब आके हम बैठ चुके हैं, तैयार हैं, बस अपनी बारी का वेट करें कि कब हमारा टाइम आएगा मूवी का, तो हम देखने जाएं। वैसे आप देख सकते हैं कि अभी इतना ज़्यादा कोई रश नहीं है, और 2-4 फैमिलीज़ ही अभी आई हैं। बस इंतज़ार करते हैं, उम्मीद है मूवी अच्छी होगी, और जैसा भी रिव्यू होगा आपको आके देंगे। मगर अभी माहौल बहुत ज़्यादा चिल हो रहा है यहाँ पर, सुकून वाला। तो चलें एक सेल्फ़ी ले लेते हैं हम। चलें भाई, टाइम हो चुका है मूवी का, तो अब हम चलते हैं अंदर थिएटर में, सिनेमा हॉल में। तो देखते हैं अंदर क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है। मैडम ये तो लाइट खुली हुई है, टॉर्च का काम थोड़ी है। सिनेमा की बस ये बात अच्छी लगती है, AC बड़ा टाइट चलता है, चिल फुल माहौल बना के। अभी आप देख सकते हैं पूरा खाली है, अभी ऐसा ऐसा लोग आ रहे हैं, बैठेंगे। जी व्यूअर्स, यूट्यूब फैमिली, तो मूवी देख ली, मूवी ख़त्म हो गई। मूवी बहुत अच्छी लगी हमें, आप लोग भी आए मूवी देखने। पाकिस्तानी मूवी है, सपोर्ट करना चाहिए, एक दफ़ा आएँ ज़रूर फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। बाय।